मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम अपना लेसन नंबर 13 टाइम एंड मोशन शुरू करेंगे। इसमें हम लेटेस्ट स्टैंड ऑफ मेजरमेंट ऑफ टाइम, लेटेस्ट स्टैंड इन मेजरमेंट ऑफ टाइम कर चुके हैं। अब हमें आगे करना है यूनिट्स ऑफ टाइम। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग टाइम इज सेकेंड। जो स्टैंडर्ड यूनिट है टाइम को मेजर करने की वो क्या है? सेकेंड। दैट इज द एसआई यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड एंड इज रिटन एज एस। तो इसलिए जो एसआई यूनिट है टाइम के वो क्या है? सेकेंड। उसको हम एस लिखते हैं, ठीक है, स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ टाइम आर मिनट्स एंड आवर्स, रिटन एज एम आई एन मिनट एंड एच रिस्पेक्टिवली। देखिए जो लार्जेस्ट यूनिट्स हैं टाइम के वो क्या है? मिनट्स और आवर्स। तो मिनट्स में क्या होता है? एम आई एन करके हम इसे शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और आवर्स को एच से। सेमी यूनिट्स एंड देयर कन्वर्जन्स आर गिवन बिलो। कुछ यूनिट्स हैं उनके कन्वर्जन्स दे रखे हैं आपको, जैसे 60 सेकेंड इक्वल टू 1 मिनट, 24 आवर्स इक्वल टू 1 डे, 12 मंथ्स इक्वल टू 1 ईयर, 100 ईयर्स यानी 100 डिकेड्स इक्वल टू 1 सेंचुरी, 1000 ईयर्स और 10 सेंटीमीटर्स सॉरी 10 सेंचुरीज इक्वल टू 1 मिलीनियम, 60 मिनट्स 1 आवर, 30 डेज 1 मंथ, 10 ईयर्स 1 डिकेड। ओके, तो ये कुछ मेजरमेंट कन्वर्जन्स हैं जिसे आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चंस में यूज़ किए जा सकते हैं। ओके, नीचे देखिए। अ कार मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, एक कार स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, तो इसका टाइप ऑफ मोशन बताइए। रेक्टिलिनियर मोशन, एक लट्टू घूम रहा है ये कौन सा है बताइए? सर्कुलर मोशन, सॉरी रोटेशनल मोशन है यार। मूविंग ब्लेड्स ऑफ अ फैन, फैन के ब्लेड्स घूम रहे हैं, सर्कुलर मोशन। पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक, टाइप ऑफ मोशन ये कौन सा है? पीरियोडिक मोशन। ओके, पेंडुलम हमेशा पीरियोडिक मोशन करते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं मोशन के बारे में। व्हेन यू लुक अराउंड इन योर क्लासरूम, अगर आप अपने क्लासरूम में चारों तरफ देखोगे, यू सी दैट मैनी थिंग्स लाइक डेस्क बोर्ड्स एंड टेबल्स डू नॉट मूव, दे आर सेड टू बी एट रेस्ट। अब देखोगे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मूव नहीं करती हैं, जैसे कि डेस्क बोर्ड टेबल, इसलिए इनको क्या बोलते हैं कि रेस्ट पर है। हाउएवर यू सी सम चिल्ड्रन प्लेइंग इन द स्कूल ग्राउंड, सम मूविंग इन द कॉरिडोर एट्सेट्रा, दे आर सेड टू बी इन मोशन। फिर आप देखोगे कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं स्कूल ग्राउंड में, कुछ बच्चे कॉरिडोर में मूव कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? ये क्या है? मोशन में। इन साइंस एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट व्हेन इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद टाइम एंड विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस विद टाइम एंड विद रिस्पेक्ट to its surroundings. In class 6, you have learned different types of motion like rectilinear motion, circular motion, rotational motion, periodic motion. तो देखिए इसमें क्या बताया गया, साइंस में कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे तब माना जाता है जब क्या हो, उसकी ना तो पोजीशन चेंज हो रही हो टाइम के साथ और ना ही, मतलब उसकी जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रही है टाइम के साथ और ना ही कोई डायरेक्शन वगैरह कुछ भी नहीं चेंज हो रहा, तो इसलिए वो क्या कहलाएगा? रेस्ट में कहलाएगा। और ऑब्जेक्ट मोशन में कब कहलाता है? जब उसकी पोजीशन चेंज होती है टाइम के साथ, ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट कहलाता है मोशन में। क्लास सिक्स में आपने रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन और पीरियोडिक मोशन पढ़ा होगा, तो इन पिक्चर्स को देख के आपको पहचानना है कौन सा मोशन है। तो ये तो मैंने आपको करवा दिया है ना, पहले ही करवा दिया। आगे है हमारा स्लो एंड फास्ट मोशन, इसे हम अगली क्लास में करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग मी। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर हिट करें।